फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कैसे हम अपने फेसबुक पेज का कस्टम यूआरएल सेट करते हैं, यानी कि एक यूज़र नेम सेट कर सकते हैं जो कि देखने में एक यूनिक लगेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हम ये सेट नहीं करते तो अगर हम अपने फेसबुक पेज का लिंक किसी को शेयर करते हैं यहाँ वहाँ, तो आप देखे रहेंगे कि फेसबुक लिखने के बाद जो है कुछ नंबर वगैरह ऐसा रहता है जो कि अच्छा नहीं लगता है। ऐसे में अगर हम उसका कस्टम यूआरएल सेट कर दें, यानी कि यूज़र नेम सेट कर दें, तो बहुत ही यूनिक हो जाएगा, प्रोफेशनल हो जाएगा। जिसको भी हम ये शेयर करेंगे अपने फेसबुक पेज को, तो एक अच्छा सा यूनिक नेम वहाँ पर जाएगा जो कि देखने में प्रोफेशनल लगेगा। तो कैसे हम सेट करेंगे, इस वीडियो में यही सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम अरविंद यादव है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं न्यू ज्ञान सम्राट। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड। तो चलिए चलते हैं, हम फेसबुक एप्लीकेशन को यहाँ ओपन कर लेते हैं। हमारे मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल है, उम्मीद है कि आपके मोबाइल में भी फेसबुक एप्लीकेशन होगा। तो चलिए यहाँ पर हम क्लिक करके इसे यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखिए थ्री लाइन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम जो भी पेज बनाए रहेंगे वहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर देखिए मेरा पेज यहाँ पर शो कर रहा था, इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पेजेस हैं, तो मैं इसमें से ये ब्लू जोन न्यूज़ वाला यहाँ पर क्लिक करता हूँ। और सबसे पहले बिना मैं कस्टम यूआरएल सेट किए हुए पहले दिखा देता हूँ कि कैसा रहता है हम शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मोर पे क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ आ जाते हैं। देखिए कॉपी पेज लिंक, इसके ऊपर हम क्लिक किए और हम क्या करते हैं, बैक आते हैं, नोट पे आते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक पहले बता देता हूँ कैसे, देखिए पहले कैसे दिखाई देता और बाद में कैसे दिखाई देगा। ये देख रही फ्रेंड्स, यहाँ पर facebook.com ब्लू जोन न्यूज़, यहाँ पर देखिए कुछ नंबर आ रहे हैं जो देखने में नहीं अच्छे लगेंगे हम, अगर हम किसी को ऐसे लिंक शेयर करेंगे तो वापस आते हैं हम अपने फेसबुक पेज पर। ठीक है, तो चलिए हम वापस आ गए, तो हम वापस क्लिक करते हैं ब्लू जोन न्यूज़ पर। और फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, यहाँ पर पेज पे क्लिक करना है। तो जब हम पेज पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्रिएट पेज @ यूज़र नेम यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी को हमें चेंजेस करना है। तो हमें क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर @ यूज़र नेम लिख रहा है, तो आपको जो भी यूज़र नेम रखना है आप लिख लीजिए यहाँ पर। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और हम अपना ब्लू जोन न्यूज़ ही डालेंगे। ठीक है, तो हम चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं ब्लू जोन न्यूज़। तो अगर ये देखिए अवेलेबल होगा फ्रेंड, तो आपको यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर का टिक नज़र आ जाएगा। अगर ये अवेलेबल नहीं होगा तो रेड कलर का आएगा, यानी कि आपको थोड़ा उसमें चेंजेस करना पड़ेगा। मेरा किसी ने नहीं बनाया इसलिए मेरा यूनिक है, इस प्रकार से आ जा रहा। तो अभी हम यहाँ पर क्रिएट यूज़र नेम पर क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड देखिए ये हमारा हो चुका है, तो हम यहाँ से ओके कर दे रहे हैं। अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड, जो हमारा यूज़र नेम था देखिए पहले अलग था, अभी यहाँ पर ब्लू जोन वीडियोज़ न्यूज़ हो चुका है। ऐसे अभी क्या करना है, आपके अपने पेज को यहाँ से रिफ्रेश कर देना है या फिर थोड़ी देर वेट कर लेना है। वेट करने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, मोर पर क्लिक करना है और वापस आ जाना है, कॉपी पेज लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप किसी को शेयर करते हो, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ वापस। अब देख सकते हैं कि पहले हमारा ब्लू जोन न्यूज़ और कुछ नंबर था, अभी यहाँ पर हमारा जो यूज़र नेम कितना यूनिक बन चुका है, www.facebook.com/bluezonenews। कुछ इस तरह से देख सकते हैं आप, प्रोफेशनल तरीके से जो हमारा फेसबुक पेज का यूआरएल था कस्टमाइज हो चुका है। इस तरह से फ्रेंड्स, आप जो है किसी को भी जब शेयर करेंगे तो एक यूनिक लगेगा, एक प्रोफेशनल लगेगा पेज आपका। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने पेज का जो है यूज़र नेम क्रिएट करना। तो फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियोस कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अगर आपको थोड़ी भी यूज़फुल लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो को देख पाओ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में।